चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, हमें ऊपर से हुक्म है कि तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा, तुझे वीजा नहीं मिलेगा। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। वो हिंदुस्तानी यहाँ आएगा, वो मजनू और राजे से भी बड़ा आशिक है। छोड़ दे सकीना को, एक बार छोड़ कर देख लिया, लेकिन आपने तो जीते जी मार डाला इसे। बकवास बंद कर, इतने टुकड़े करूंगा कि पहचाना नहीं जाएगा। अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। आशा वाले, आशा वाले। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा तो सकीना को हासिल नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया, अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ, काट भी सकता हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, हमें ऊपर से हुक्म है कि तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा, तुझे वीजा नहीं मिलेगा। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। वो हिंदुस्तानी यहाँ आएगा, वो मजनू और राजे से भी बड़ा आशिक है। छोड़ दे सकीना को, एक बार छोड़ कर देख लिया, लेकिन आपने तो जीते जी मार डाला इसे। बकवास बंद कर, इतने टुकड़े करूंगा कि पहचाना नहीं जाएगा। अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। We'll be right back.
बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। वरना अगर आज ये चट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। आशा वाले, आशा वाले। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बनकर जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा।